चंदन क्यारे स्थित रविंद्र भवन में प्रखंड मुखिया संघ का चुनाव प्रमुख निवारण सिंह चौधरी तथा पूर्व मुखिया संघ के अध्यक्ष देवसी सिंह के निगरानी में संपन्न हुआ, जहां 38 में से 31 पंचायत के मुखिया शामिल हुए, जिसमें से दो ने अध्यक्ष पद के दावेदारी करने पर वोटिंग का सहारा लिया। जहां कालिकापुर पंचायत के मुखिया गुरुपद महतो को 16 मत मिला, वहीं अमलाबाद पंचायत के मुखिया अजय रजवार 19 मत पाकर विजय हुए। मौके पर अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के बाद अजय रजवार ने कहा कि प्रखंड के सभी मुखियाओं ने मिलकर जो दायित्व दिया है उसे पूरे ईमानदारी से खरा उतरने का प्रयास करूंगा, साथ ही मुखियाओं के मान सम्मान को किसी भी स्थिति में कमी होने नहीं दी जाएगी। पंचायती राज व्यवस्था में नौकरशाह ही नहीं बल्कि जनप्रतिनिधियों को पंचायत का विकास करने का जिम्मा होता है, इसलिए हम सभी मिलकर एकजुट होकर विकास कार्य में योगदान देंगे। वहीं किसी भी पंचायत के मुखिया के समस्या आने पर सब मिलकर उस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। बाद में अध्यक्ष अजय रजवार ने कमेटी के विस्तार भी किया, जहां सचिव के रूप में महाल पूर्वी पंचायत के मुखिया शीतल सिंह, उपाध्यक्ष प्रियंका सिंह, बोरियाडी पंचायत कोषाध्यक्ष किरण मुर्मू, बड़ाजोर पंचायत कार्यकारी अध्यक्ष ईतू पाल, चंदन क्यारी पूर्वी सदस्य में लीलावती देवी, काजल दास, सरस्वती देवी, श्यामपद गोराई, चिंता देवी, भादु देवी शामिल है। बोलिए, आप मुखिया संघ के अध्यक्ष के चुनाव जीत गए, बताइए। हमारे जो मार्गदर्शक, हमारे जो प्रतिनिधिमंडल थे, जो गार्जियन स्वरूप चंदन क्यारी को प्रतिनिधित्व करते हैं, और इसके पूर्व हमारे चंदन क्यारी प्रखंड से मुखिया संघ का अध्यक्ष रह चुके हमारे गार्जियन स्वरूप जोशी दा का निगरानी में हम लोग सारा चुनाव का समापन हुआ, और जिस आशा और विश्वास के साथ सभी ने सहमति जताया है और समर्थन दिया है, और जो भी किस कोई भी समस्या रहेगा किसी भी मुखिया का, तो मैं हमेशा ब्लॉक में ही रहता हूँ। आज बीता हुआ 7 साल गुजारे हैं और अभी भी जितने के बाद भी हम ब्लॉक में रहते ही हैं, और कई भी समस्या हो वो लोग हमको याद करें, हम रहेंगे तत्पर, और जो हम लोग का सही रहेगा सही करते हुए तो शुरुआती हम लोग नहीं चल रहे थे। दिवस जो देख रेख में हुआ चुनाव, पहले तो हम लोग सोचे थे आज मैंने एक बैठक ही करके, लेकिन सब जब जुट गया तो हम लोग चुनाव कर दिए। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हुआ, जिसमें अजय अध्यक्ष बना, इसके पहले तो मैं अध्यक्ष थे। हम चाहेंगे अध्यक्ष सब मिल के दोनों पार्टी को मिल के अपना ठीक से काम करे, ये कोई राजनीति नहीं है, इसमें मुखिया प्रमुख इसमें कोई राजनीति नहीं है। हम लोग चाहेंगे जो ऑफिसर लोग जो प्रतिनिधि के ऊपर दबाव देता है, इस दबाव जैसा हम अध्यक्ष रहते, हम जितना दिन थे हम ऑफिसर लोग को दबाव कभी नहीं सहे हैं, चाहे उसमें अपने को थोड़ा सा ठीक रहना पड़ेगा। अगर आप हम अपने ठीक रहेंगे तो कोई ऑफिसर डीसी भी रहे उसको झुकना पड़ेगा, इसीलिए हम अजय को बोलेंगे जो अपना ठीक रह के मुखिया लोग को कोई ये होगा, दोष गुण तो होता ही है, लेकिन जैसे मुखिया लोग वीडियो सीओ को का पास जैसे झुके नहीं, यही हमारा आशीर्वाद है, जैसे इस बरकरार करके इसको रखे। आज के बारे में बताइए, क्या बैठक था आज हमारे चंदन क्यारी में? रविंद्र भवन में मुखिया संघ अध्यक्ष चुनाव एक बैठक रखा गया, वो प्रमुख के अध्यक्षता में एक बैठक हुआ। उस बैठक में हम लोग मुखिया संघ के अध्यक्ष के लिए दो दावेदार आए, उसमें एक अजय रजवार, दो में आपका गुरुपद महतो। श्री अजय रजवार वोटिंग हुआ, वोटिंग में श्री अजय रजवार को आपका 19 मत प्राप्त हुए, गुरुपद महतो को 16 मत प्राप्त हुए। 35 मुखिया उपस्थित हुए, 35 वोटिंग हुआ, 35 में 19 मत आपका श्री अजय रजवार को प्राप्त हुआ, 16 मत आपका गुरुपद महतो। अजय रजवार मुखिया संघ अध्यक्ष के लिए विजय हुए, और हम अजय रजवार से कहना चाहेंगे कि आप सही ढंग से पूरा चंदन क्यारी प्रखंड को चलाएं, सब मुखिया को लेके चलें, और जो भी आपका टीम पूरा टीम को लेके चले,
यही शुभकामना दे के मैं अपना